Professor Sagar Tolani from Jekisha Classes. In this video, we'll be discussing the entire jurisprudence, interpretation and general law. इस वीडियो के अंदर हम पूरा पेपर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं. सुपर रिविजन कहो, मैराथन कहो, कोई भी नाम दे दो, फर्क नहीं पड़ता. इस वीडियो के अंदर हम सारे चैप्टर्स को प्रॉपरली, हर वो चीज़ें जो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है, जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. आई टीच एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ CS. आई एम इनटू दिस प्रोफेशन सिंस लास्ट 8 ईयर्स. मैं CS, ET, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तीनों लेवल पे लॉ सब्जेक्ट्स में डील करता हूँ. आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड LLB. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैंने क्या किया है, मैंने इस सब्जेक्ट को कुछ सेट्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट द सब्जेक्ट कंप्राइजेस ऑफ 17 चैप्टर्स. 17 चैप्टर है बॉस इस सब्जेक्ट के अंदर, कोई बाइफर्केशन नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे. तो 17 बेयर चैप्टर है आपको इसमें. तो 17 चैप्टर्स को मैंने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो पहले हम पहला पार्ट उठाएंगे जिसमें कुछ 4 से 5 चैप्टर्स है. उन 4 से 5 चैप्टर्स को पहले डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से. हम वो सारी पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आ सकता है. हम ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस विच आर ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट इन द प्रीवियस एग्जाम्स. राइट, सो कौन से ऐसे 5 चैप्टर्स हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लॉ रिलेटिंग टू टॉट, लिमिटेशन एक्ट 1963, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, सिविल प्रोसीजर कोड एंड राइट टू इंफॉर्मेशन. कौन से 5 चैप्टर्स, टॉट, एविडेंस, लिमिटेशन, CPC और RTI. क्वेश्चन आता है सर इन 5 चैप्टर्स का क्या वेटेज होगा अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली इन 5 चैप्टर्स का वेटेज लगभग 30-35 मार्क्स है. टॉट का वेटेज 4-8 मार्क्स है, लिमिटेशंस का वेटेज 4-8 मार्क्स है, CPC का वेटेज 8-12 मार्क्स है, एविडेंस का वेटेज 8-12 मार्क्स है और RTI का वेटेज 4-8 मार्क्स है. सो अगर मैं सबको टोटल करता हूँ तो समवेयर 30-35 मार्क्स का वेटेज आपका ये 5 चैप्टर्स होल्ड करते हैं. चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो लेंदी भी हैं और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो छोटे और ईजी भी हैं, जिसमें से टॉट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके CS ET में भी हुआ करता था. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेशंस एक्ट 1963. यस, चलो फटाफट लिमिटेशंस एक्ट में मैं जंप करता हूँ और देखते हैं कि लिमिटेशन एक्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या क्या पूछा है और क्या इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. लिमिटेशंस एक्ट 1963. अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर लिमिटेशंस एक्ट 1963 को बनाया ही क्यों, मतलब क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है लिमिटेशंस एक्ट 1963 को बनाने के लिए. क्या इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव पूछेगा एग्जाम में, लाइक इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क द पर्पस बियॉन्ड विच दिस एक्ट इज इनएक्टेड. क्या इसके पीछे का, इस एक्ट के पीछे का बनाने का पर्पस इंस्टीट्यूट पूछेगा एग्जाम में. तो टेक्निकली इंस्टीट्यूट इज नॉट इंटरेस्टेड टू नो दैट यू पीपल शुड अवेयर ऑफ द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, बट बिना उसके समझ में भी नहीं आएगा कि लिमिटेशंस एक्ट 1963 क्या है. सो एक्ट का बहुत सिंपल कहना है, एक्ट कहता है कि जब भी हम कोर्ट में कुछ चीज़ें फाइल करेंगे, राइट नाउ क्वेश्चन आता है कुछ चीज़ें मीन्स वॉट. तो जब भी आप कोर्ट में सूट फाइल करोगे या अपील फाइल करोगे या एप्लीकेशन फाइल करोगे, तो इन तीनों चीज़ों को फाइल करने का एक लिमिटेड पीरियड है. राइट, वैसे ये लिमिटेशन एक्ट एक मैक्सिम पे बेस्ड है, एक लीगल मैक्सिम पे ये लिमिटेशन एक्ट बेस्ड है, जो मैक्सिम कहता है कि लॉ हेल्प्स टू दोज हु आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड नॉट टू दोज हु आर स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स. क्या कहता है लिमिटेशन एक्ट, किस मैक्सिम पे बेस्ड है, तो लिमिटेशन एक्ट मैक्सिम पे बेस्ड है कि लॉ हेल्प्स टू दोज हु आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड नॉट टू दोज हु आर स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर आप अपने राइट्स को लेकर केयरफुल हो, अगर आप अपने राइट्स को लेकर विजिलेंट हो, तो फिर दिस एक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू. वॉट एवर द पर्पज देर इज देर इन दिस लॉ, दैट पर्पज इज गोइंग टू हेल्प यू. बट इफ यू आर नॉट विजिलेंट, इफ यू आर इग्नोरेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर राइट्स, तो फिर उस केस में लिमिटेशन एक्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इफ यू आर स्लीपिंग ओवर योर राइट्स, लिमिटेशन एक्ट 1963 इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है कि सूट, अपील और एप्लीकेशन, ये ऐसी 3 चीज़ें जो हम जनरली कोर्ट में फाइल करते हैं. आपका राइट अफेक्ट होता है, आप सूट फाइल करते हो, आप डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप अपील फाइल करते हो, आपको कोर्ट से कोई चीज़ें चाहिए, आपसे कोर्ट से कोई हेल्प चाहिए, तो आप एप्लीकेशन फाइल करते हो. सो इन तीनों चीज़ों का, सूट, अपील और एप्लीकेशन, इन तीनों चीज़ों का फाइल करने का एक लिमिटेड पीरियड है. आप कभी भी मुंह उठा के कोर्ट में नहीं जा सकते.
तो इन तीनों चीज़ों का एक लिमिटेड पीरियड है। अगर आप उस लिमिटेड पीरियड के अंदर कोर्ट में जाते हो तो डेफिनेटली लिमिटेशन एक्ट 1963 और कोर्ट आपकी हेल्प करेगा। अब सवाल उठता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है, लाइक सूट का लिमिटेशन पीरियड क्या है, अपील का लिमिटेशन पीरियड क्या है, एप्लीकेशन का लिमिटेशन पीरियड क्या है। तो इस एक्ट के एंड में आपको एक शेड्यूल मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, जिस टेबल के अंदर हर नेचर ऑफ सूट, एवरी नेचर ऑफ सूट का लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है, हर तरीके की अपील का लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है, हर तरीके के एप्लीकेशन का लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। जैसे अगर टॉर्ट रिलेटेड केसेस है तो उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस है तो लिमिटेशन पीरियड क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस है तो उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है, हाई कोर्ट को कितने टाइम में अपील जाती है, सुप्रीम कोर्ट को कितने टाइम में अपील जाती है, रिव्यू एप्लीकेशन कितने टाइम में फाइल करने का, रिविजन एप्लीकेशन कितने टाइम में फाइल करने का, डिक्री को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन कितने टाइम में फाइल करने का, हर चीज इस एक्ट के अंदर दी हुई है। और उस पीरियड के अंदर आपको आपका सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल करना है। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डू वी रियली नीड टू लर्न दैट टेबल, दैट टेबल रन्स इनटू 8 to 10 पेजेस सर, वो हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन टेबल में से, उस टेबल में से कुछ ऐसा पार्ट आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, वो पार्ट सिर्फ आपको पढ़ना है। इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको शेड्यूल आना चाहिए, राइट, बट इंस्टीट्यूट आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक्ट का पर्पस पता होना चाहिए। तो जो टेबल में लिमिटेड पीरियड दिया हुआ है सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल करने का, उस लिमिटेड पीरियड के अंदर आपको आपका सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल करना है। और अगर नहीं फाइल किया तो व्हाट इफ सर, अगर नहीं फाइल किया, नहीं फाइल किया तो फिर उस केस में कोर्ट आपका सूट, अपील और एप्लीकेशन बियॉन्ड द लिमिटेड पीरियड एंटरटेन नहीं करेगा, राइट। ये एक्ट ऑब्लिगेशन डालता है कोर्ट के ऊपर कि इट इज़ योर ड्यूटी नॉट टू एंटरटेन दोज अपील, एप्लीकेशन और सूट बियॉन्ड द लिमिटेड पीरियड। एक चीज़ याद रखना, इस एक्ट का पर्पस कोर्ट के ऊपर, इस एक्ट का पर्पस कोर्ट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन डालना नहीं है, इस एक्ट का पर्पस हमें केयरफुल करना है, इस एक्ट का पर्पस हमें विजिलेंट करना है। ये एक्ट हमारे लिए बनाया गया है, ये एक्ट हमें प्रिवेंट करता है कि लेट मत होना। अगर आप लेट हो गए तो कोर्ट शायद आपका सूट, अपील और एप्लीकेशन एंटरटेन ना करे। सो द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ इज टू मेक अस प्रिवेंटिव, इज टू मेक अस प्रोएक्टिव, दैट अपील, एप्लीकेशन एंड सूट शुड बी फाइल्ड विद इन द लिमिटेड पीरियड विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस लॉ, राइट। अब अगर नहीं फाइल किया तो क्या, तो नहीं फाइल किया तो फिर आपकी रेमेडी पे बार लग जाएगा। द लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड। अगर आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो जो लीगल रेमेडी थी आपकी, उस लीगल रेमेडी पे बार लग जाएगा। याद रखना, लीगल रेमेडी पे बार लगेगा, ऑर्डिनरी रेमेडी और नेचुरल रेमेडी हमेशा सर्वाइव करेगा, बट इट डज नॉट एक्सटिंग्विश, देखो क्या लिखा हुआ, इट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट दैट इट कैनॉट बी एनफोर्स बाई जुडिशियल प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो नेचुरल राइट है, जो नेचुरल राइट्स है, वो नेचुरल राइट्स हमेशा सर्वाइव करेंगे, जो ऑर्डिनरी राइट्स है वो हमेशा सर्वाइव करेंगे। जैसे जैसे सर कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, नेचुरल राइट क्या होता है, जैसे आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट इज माय नेचुरल राइट, बराबर। लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद क्या मैं केस को बाहर बैठकर सॉल्व कर सकता हूँ, कोर्ट के बाहर बैठकर सॉल्व कर सकता हूँ? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज इट इज माय नेचुरल राइट, इट इज माय ऑर्डिनरी राइट, जो वो राइट जो कोर्ट भी मुझसे नहीं छीन सकता, वो राइट जो कोर्ट भी एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता, उसे ऑर्डिनरी राइट कहते हैं। सो अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है और पार्टीज म्यूचुअली बाहर बैठ के अपने केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, तो फिर उस केस में क्या वो इलीगल है, क्या वो इनवैलिड है? आंसर इज नहीं, ना ही वो इलीगल है ना ही वो इनवैलिड है। क्यों? बिकॉज नेचुरल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स हमेशा सर्वाइव करेंगे। सिर्फ कौन से राइट्स खत्म हो जाएंगे, कौन से राइट्स पे बार लग जाएगा, तो आपके लीगल राइट्स पे बार लग जाएगा। कब? लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद। लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपके लीगल राइट्स खत्म हो जाएंगे, आपके सिर्फ नेचुरल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स ही सर्वाइव करेंगे, बराबर। ये बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में भी डिसाइड हुआ था। अच्छा, एक और चीज मैं आपको कहूँ, मान लो अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद, मुझे आइडिया नहीं है, बट लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद अगर मैं कोई डेट पे कर लेता हूँ, मुझे किसी को पैसे देने थे,
वो पैसे में लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद रिटर्न करता हूँ विदाउट हैविंग दिस नॉलेज दैट द लिमिटेशन पीरियड इज़ एक्सपायर्ड, बट मैं पे कर देता हूँ पैसा. मैंने किसी से पैसे लिए थे, उसको मैंने बोला था कि मैं एक टाइम में दे दूंगा, मैंने नहीं दिया. उस सामने वाले का मेरे अगेंस्ट केस करने का पीरियड चालू हो चुका था, वो पीरियड खत्म हो गया केस करने का, द लिमिटेशन पीरियड इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, बट आई हैव नो नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट द लिमिटेशन पीरियड इज एक्सपायर्ड. तो मैंने क्या किया, मैंने पैसे पे कर दिए. लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद मैंने पैसे पे कर दिए. और बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने जो पैसे पे किए वो तो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद पे किए, अब उस केस में वो वैसे भी मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर पाता था. तो क्वेश्चन आता है, क्या मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करके वो पैसे वापस ले सकता हूँ उससे? क्या मैं कोर्ट को ऐसा बोल सकता हूँ कि सर एक्चुअली क्या है ना, वो पैसे जो मैंने दिए ना वो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद दिए और मुझे ये पता नहीं था, तो आप एक काम करो ना वो पैसे वापस लेकर दो ना. चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा ऐसा. क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज उस पैसे पे भले ही उसका लीगल राइट लिमिटेशन पीरियड के बाद ख़त्म हो गया था, बट वो पैसे थे तो उसके ही ना, वो ऑर्डिनरी राइट और नेचुरल राइट उस पैसे पे तो था ना उसका. तो इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑर्डिनरी राइट और नेचुरल राइट हमेशा सर्वाइव करता है, लीगल राइट ख़त्म हो जाता है. और हाँ, टाइम बट डेट्स नाम की भी चीज़ तुम लोग को CSET और CS फाउंडेशन में पढ़ाई रहेगी कि टाइम बट डेट्स भी होता है, और टाइम बट डेट्स भले नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन है बट वो तो भी वैलिड माना जाता है. तो सिमिलरली अगर पैसा पे होने के बाद, लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर आप पैसा पे कर देते हो तो उसका रिकवरी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सामने वाले के ऑर्डिनरी राइट्स उन पैसों पे हमेशा सर्वाइव करेंगे. राइट? सो दो चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है कि एक, अगर लिमिटेशन पीरियड के अंदर हम केस नहीं करते हैं तो हमारा लीगल राइट, हमारी जो लीगल रेमेडी थी वो बार लग जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, बट हमारे नेचुरल राइट्स हमेशा सर्वाइव करेंगे. विच मीन्स आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट इज़ नॉट इनवैलिड, इट इज़ नॉट इलीगल. राइट? फिर आता है आपका सेक्शन 3. सेक्शन 3 में आपको चार चीज़ें याद रखनी है. सेक्शन 3 इज बार ऑन लिमिटेशन पीरियड. सेक्शन 3 में आपको चार चीज़ें याद रखनी है. कौन सी चार चीज़ें? सबसे पहले, सेक्शन 3 ऑफ दैट प्रोवाइड्स दैट एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज स्पेसिफाइड बाय लॉ. मतलब लिमिटेशन 1963 में जो भी पीरियड दिया हुआ है उस पीरियड के अंदर आपको सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल कर देना है. बराबर? इफ एनी अपील और एप्लीकेशन मेड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड, इफ एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन मेड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ द लिमिटेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड विद सच सूट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द प्ली ऑफ लिमिटेशन हैज बीन सेट अप इन डिफेंस और नॉट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि सूट, अपील और एप्लीकेशन अगर लिमिटेड पीरियड में नहीं फाइल होती है तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि कोर्ट ऐसी अपील, एप्लीकेशन और सूट को एंटरटेन नहीं करेगा. फर्क नहीं पड़ता इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट प्लिंटिफ ने किसी भी तरीके का डिफेंस क्यों ना सेट किया. बराबर? नेक्स्ट, सेक्शन 3 के प्रोविजंस मैंडेटरी है तो इन्हें कंप्लाई करना जरूरी है. इनफैक्ट अगर कोर्ट चाहे तो सू मोटो मतलब खुद से, कोर्ट अगर चाहे तो खुद से ये कोर्ट फाइंड आउट कर सकता है कि क्या मैटर लिमिटेड पीरियड में फाइल हुआ था, डेट ऑफ डिफॉल्ट क्या था, लिमिटेशन पीरियड क्या था. तो कोर्ट अगर चाहे तो सू मोटो लिमिटेशन के क्वेश्चन को चेक कर सकता है वेदर लिमिटेशन पीरियड बार हो गया है या लिमिटेशन पीरियड अभी भी चालू है. बराबर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का पर्पस इज नॉट टू डिप्राइव द पावर ऑफ द कोर्ट. सेक्शन 3 का पर्पस बहुत सिंपल है कि वो कोर्ट के पावर को, कोर्ट के जुरिसडिक्शन को अफेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस एक्ट का पर्पस हमें समझाना है, इस एक्ट का पर्पस हमें अवेयर करना है, हमें केयरफुल करना है कि हम हमारे राइट्स को लिमिटेड पीरियड के अंदर ही एंजॉय करें, और लिमिटेड पीरियड ख़त्म होने के बाद कोर्ट शायद ही हमारे राइट्स को एंटरटेन ना करें या हमें किसी भी तरीके का क्लेम जस्टिफाई करके ना दे. सो बेसिकली ये हमारा काम है कि हमें लिमिटेड पीरियड के अंदर ही हमारे राइट्स को क्लेम करना है. बराबर? इसीलिए लास्ट पॉइंट में ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि इट इज़ द पर्पस ऑफ सेक्शन 3 इज़ नॉट टू डिप्राइव द पावर ऑफ कोर्ट, पर्पस ऑफ सेक्शन 3 इज़ नॉट टू टेक अवे द पावर ऑफ कोर्ट. देयरफॉर इफ एनी कोर्ट फील्स to entertain a case even after the limitation period, the court can do so. Plus, any decree passed by the court in those cases, such decree will be valid and those decrees will be called as time-barred decrees or time-barred suits.
राइट. सो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर कोर्ट ऐसे किसी केस को अलाउ करता है लिमिटेशन पीरियड के बाद भी, तो वो गलत नहीं होगा. राइट. और उसमें अगर कोर्ट कोई डिक्री पास करता है तो वो डिक्री वैलिड होगी और वो डिक्री पार्टीज पे बाइंड भी करेगी, और ऐसे केसेस को हम लोग टाइम बार्ड सूट्स कहते हैं. बराबर. अ डिक्री पास इन अ टाइम बार्ड सूट इज नॉट अ नलिटी, मतलब इट इज नॉट इनवैलिड. सो दीज सूट्स आर कॉल्ड एज टाइम बार्ड सूट. चार चीज़ें. पहला, सेक्शन 3 कहता है कि सूट अपील और एप्लीकेशन लिमिटेड पीरियड में फाइल होना चाहिए. दूसरा, सूट अपील एप्लीकेशन लिमिटेड पीरियड में नहीं फाइल हुआ तो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा. तीसरा, सेक्शन 3 के प्रोविजंस मैंडेटरी है, कंप्लाई होने चाहिए, इसीलिए कोर्ट सू मोटो अगर चाहे तो चेक कर सकता है. और चौथा, टाइम बार्ड सूट्स मतलब ये कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी केस को लिमिटेशन पीरियड के बाद भी एंटरटेन कर सकता है. हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट आया हो कि सर पहले आपने बोला कि लिमिटेशन पीरियड के बाहर नहीं जा सकते हैं, फिर आप बोल रहे हो कि कोर्ट एंटरटेन कर सकता है. देखो, इंडिया में कोई भी कानून कोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकता. पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच रिस्ट्रिक्ट द कोर्ट. इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये एक्ट का पर्पस कोर्ट को रोकना नहीं है कि आप केस को एंटरटेन मत करो, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तो. नहीं, इस एक्ट का पर्पस हमें समझाना है कि आप लिमिटेशन पीरियड के अंदर केस फाइल करो. हो सकता है कि कोर्ट एंटरटेन ना करे अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, बट कोर्ट चाहे तो कर सकता है. यस. क्या ये एक्ट रोकेगा कोर्ट को? नहीं. तो कोर्ट अगर चाहे तो कर सकता है. तो ऐसे केसेस को हम क्या कहेंगे जो लिमिटेशन पीरियड के बाद सॉल्व होंगे? तो ऐसे केसेस को हम टाइम बार्ड सूट्स कहेंगे. राइट. सेक्शन 3 वैसे दिसंबर 19 में आकर गया था, तो ये ऑलरेडी एग्जाम क्वेश्चन है. देखो, जब जब मुझे कोई टॉपिक पता चलेगा कि ये एग्जाम में आकर गया है, मैं बाजू में ई क्यू लिख दूंगा. ई क्यू इज एग्जाम क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी, दिस सेक्शन वॉज ऑलरेडी देयर इन दिसंबर 19 एग्जाम. तो आप दिसंबर 19 का पेपर देखोगे तो आपको ये सेक्शन 3 मिलेगा, बार ऑन लिमिटेशन पीरियड आपको मिलेगा. सेक्शन 3 के बाद इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है आपका सेक्शन नंबर 5. सेक्शन नंबर 5 इस एक्ट का सबसे काम का सेक्शन है, और वो क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज. काफ़ी रेगुलर क्लासेस में काफ़ी बार स्टूडेंट पूछते हैं, स्टार्ट में ही जब चैप्टर पढ़ाना चालू करता हूँ मैं, कि सर आपने बोला कि लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया है, तो फिर उस केस में सफिशिएंट कॉज नहीं सुनेगा क्या? अगर हो सकता है कोई जेन्युइनली लेट हो गया हो सकता है जो लेट हुआ उसके पास कोई वैलिड रीज़न हो लेट होने का, तो आपको नहीं लगता कि सर कोर्ट को कॉज सुनना चाहिए, कोर्ट को रीज़न सुनना चाहिए और उसको लेकर भी प्रोविजन होना चाहिए इस लॉ के अंदर? है ना बाबा, है प्रोविजन है. और वो प्रोविजन क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, सेक्शन 5. बहुत काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो. इंस्टीट्यूट पूछ सकता है तुम्हारे आने वाले एग्जाम में. डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज सेक्शन 5 क्या कहता है? अब सेक्शन 5 बोलता है कि देखो, अगर आप हो सकता है कोई रीजनेबल रीजन के वजह से लेट हो गए और उस केस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोर्ट आपकी बात सुने, कोर्ट आपका केस एंटरटेन करे, तो क्वेश्चन आता है कि क्या कोर्ट उस रीजनेबल रीजन को सुनेगा? क्या कोर्ट उस सफिशिएंट कॉज को सुनेगा? अगर हाँ, तो फिर अगेन सवाल ये उठता है कि सफिशिएंट कॉज होता क्या है? लाइक व्हाट इज सफिशिएंट कॉज? व्हाट एग्जैक्टली अ कॉज कैन बी सफिशिएंट, और व्हाट एग्जैक्टली अ रीजन कैन बी रीजनेबल? कब ऐसा होगा कि वो रीजन रीजनेबल है या कॉज सफिशिएंट है? तो सबसे पहले जो सफिशिएंट कॉज टर्म है वो डिफाइन ही नहीं किया. द टर्म सफिशिएंट कॉज इज नॉट डिफाइंड बाय द लॉ, उसमें डेफिनेशन दिया ही नहीं है. तो क्वेश्चन आता है सर दिया ही नहीं है तो फिर समझेगा कैसे? इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट से. है भाई, ये क्या होता है सर? व्हाट इज इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट? इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कि कोर्ट हर केस को इंडिविजुअली चेक करेगा, कोर्ट हर केस के रीजन को इंडिविजुअली जज करेगा, और अगर कोर्ट को लगा कि ओके द रीजन फॉर डीले आर सफिशेंट, द रीजन द कॉज फॉर डीले इज सफिशेंट, तो फिर उस केस में कोर्ट अगर चाहे तो फिर उस केस को एंटरटेन कर सकता है उस कॉज को कंसिडर करके. तो सबसे पहले द टर्म सफिशिएंट कॉज इज नॉट डिफाइंड बाय द लॉ, एक चीज तो ध्यान में रखना. तो सेक्शन 5 अलाउज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टन केसेस ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन फॉर द डिले, एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज. बराबर. सेक्शन 5 की एप्लीकेबिलिटी बहुत काम की चीज है बॉस. सेक्शन 5 दो चीज़ों में अप्लाई होता है और सेक्शन 5 दो चीज़ों में नहीं अप्लाई होता है. सो व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 5, इट इज एप्लीकेबल इन टू केसेस एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल इन टू अदर टू केसेस.
द क्वेश्चन इज कौन सी दो चीजों में सेक्शन 5 अप्लाई होता है. तो सेक्शन 5 अप्लाई होता है अपील और एप्लीकेशन में. सेक्शन 5 अप्लाई होता है अपील और एप्लीकेशन में. और सेक्शन 5 कौन सी दो चीजों में नहीं अप्लाई होता है. तो सेक्शन 5 दो चीजों में नहीं अप्लाई होता है, कौन सा, सूट और एप्लीकेशन मेड अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी 1908. सीपीसी 1908 देखो दो चीजों में वो अप्लाई होता है, दो चीजों में नहीं अप्लाई होता है. सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रोवाइड दैट एनी अपील और एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी 1908 मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द एपीलेंट और एप्लीकेंट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैज द सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड. मतलब सेक्शन 5 कहता है कि अपील और एप्लीकेशन बट एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21, कौन सी अपील और एप्लीकेशन कोर्ट सुनेगा, तो सारी अपील सुनेगा, सारे एप्लीकेशंस भी सुनेगा, लेट होने के बाद भी सुनेगा, एक्सेप्ट एप्लीकेशन विच इज मेड अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी 1908. नाउ देयर मे बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर ये एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी 1908 क्या होता है, बताओ ना. रुको, एक एक करके डिस्कस करेंगे. तीन चीजें अभी तक डिस्कस कर चुके हैं. पहला, the term sufficient cause is not defined by the law. Dusra, whether the cause is sufficient or not, that depends upon individualistic test as per each individual case. Tisra, applicability. Applicability mein kya aati hai? Do cheeze applicable, do cheeze nahi applicable. Kaun si do cheeze applicable? Appeal or application. But us application ke andar bhi ek exception hai. Aur wo kaun sa exception hai? Application under order 21 of CPC 1908. That is application for execution of decree. Application for execution of decree पे section 5 apply नहीं होता है. और दूसरा किस पे नहीं apply होता है? दूसरा suit पे apply नहीं होता है. तो conclusion अगर हम निकाले तो दो चीजों पे apply होता है और दो चीजों पे नहीं apply होता है. कौन सी दो चीजों पे apply होता है? Appeal और application. और कौन सी दो चीजों पे नहीं apply होता है? Application under order 21 of CPC 1908, suit. इन दो चीजों पे apply नहीं होता और इन दो चीजों पे apply होता है. अब सवाल उठता है कि सर ये भेदभाव क्यों, वाई डिस्क्रिमिनेशन सर, वाई इन दो चीजों पे अप्लाई होता है एंड वाई इन दो चीजों पे नहीं अप्लाई होता है. रीजन बहुत सिंपल है बॉस. क्यों अपील और एप्लीकेशन पे सेक्शन 5 अप्लाई होता है? क्योंकि उसमें जो पीरियड है, जो फाइल करने का पीरियड है, वो बहुत कम है. वो 6 महीने से ज्यादा नहीं है. कुछ कुछ अपील्स तो 30 डेज का टाइम होता है, कुछ कुछ एप्लीकेशन में तो 15 डेज का टाइम होता है. तो ये जेन्युइन रीजन हो सकता है कि सामने वाला 30 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाया. ये जेन्युइन रीजन हो सकता है कि सामने वाला 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाया. बट सूट, उसमें तो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है यार. कुछ कुछ सूट्स में टाइम पीरियड 3 साल होता है, कुछ कुछ सूट्स में टाइम पीरियड 12 साल होता है. सो द लिमिटेशन पीरियड टू फाइल सूट रेंजेस फ्रॉम 3 ईयर्स टू 12 ईयर्स. 3 साल से 12 साल के रेंज में हम सूट फाइल कर सकते हैं. और 3 साल के अंदर तुम्हें एक दिन भी नहीं मिला तुम्हें केस करने का. और अगर तुम्हें एक भी दिन नहीं मिला तो फिर उसके बाद कोर्ट के पास भी टाइम नहीं है तुम्हारा केस एंटरटेन करने का. राइट, नॉट फाइलिंग अ केस इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड आफ्टर दैट यू आर आस्किंग फॉर अ सफिशिएंट रीजन और यू आर आस्किंग फॉर एन एक्सटेंशन पीरियड बाय प्रोवाइडिंग अ सफिशिएंट रीजन, डोंट यू फील इलॉजिकल साउंड होगा? 3 साल में एक बार भी दिन नहीं मिला केस करने का, और अगर नहीं मिला तो हाउ कैन यू शो एनी कॉज विच स्टैंड्स टू बी सफिशिएंट. तो इसीलिए वैलिड ही नहीं होता कि आप सूट में अपना सफिशिएंट कॉज दो या आप एक्सटेंशन पीरियड के लिए रिक्वेस्ट करो. क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम पीरियड ज्यादा था. और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर चुका है, रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्लियर कर चुका है कि अगर पार्टी एक भी दिन डिले करेगा, पार्टी अगर एक भी दिन डिले करेगा या पार्टी अगर एक भी दिन डिले का रीजन नहीं जस्टिफाई कर पाएगा तो ऐसा समझा जाएगा कि उसके पास सफिशिएंट कॉज नहीं है. इफ पार्टी डज नॉट हैव अ रीजन इवन फॉर अ सिंगल डे ऑफ डिले, इट मींस पार्टी डज नॉट हैव अ सफिशिएंट रीजन. राइट, अच्छा एक और चीज याद रखना, सेक्शन 5 दो चीजों पे एप्लीकेबल होता है. इसका मतलब ये है कि इमीडिएटली एक्सटेंशन पीरियड मिल जाएगा, या इसका मतलब ये है कि कोर्ट रीजन सुनेगा कि आप लेट क्यों हुए. तो याद रखना, सेक्शन 5 जिन दो चीजों पे अप्लाई होता है उसका मतलब ये है कि उन दो चीजों में कोर्ट आपका रीजन सुनेगा कि आप लेट क्यों हुए.
उसका बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम्हें एक्सटेंशन पीरियड मिलेगा, राइट? बिकॉज एक्सटेंशन पीरियड मिलना या नहीं मिलना ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ये कोर्ट के हाथ में, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते. देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपील फाइल करने में लेट हो गए या एप्लीकेशन फाइल करने में लेट हो गए, बट आपके रीजंस कोर्ट को जस्टिफाई नहीं लगे और इसीलिए कोर्ट ने आपको एक्सटेंशन पीरियड नहीं दिया. इससे एक सवाल उठता है कि सर फिर आप ऐसी कोई लिस्ट बता सकते हो या ऐसे कुछ केसेस बता सकते हो जिन्हें सफिशेंट माना गया था? बिकॉज आपने बोला वो इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट पे होता है, तो पास्ट में कितने सारे ऐसे केसेस हुए रहेंगे जहाँ पर पार्टी लेट हुआ हो तो वो रीजंस कोर्ट ने कंसिडर किया हो. तो डू यू हैव एनी सच रीजंस और कैन यू प्लीज डिस्कस दोज रीजंस व्हिच स्टैंड्स टू बी अ सफिशिएंट कॉज? डेफिनेटली. अब उन रीजंस पे जंप करने के पहले सेक्शन 5 का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं बता देता हूँ. तुम्हें उन चीज़ों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. कौन सी चीज़ें? पहला, सफिशिएंट कॉज टर्म को डिफाइन नहीं किया हुआ है. दूसरा, इसीलिए कौन सा कॉज सफिशिएंट है या नहीं है ये हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट पर डिसाइड करेंगे. ये इंडिविजुअल फैक्टर्स पर डिसाइड होगा, हर केस को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाएगा. तीसरा, सेक्शन 5 का एप्लीकेबिलिटी. सेक्शन 5 दो चीज़ों में एप्लीकेबल है, दो चीज़ों में नहीं एप्लीकेबल है. चौथा, क्यों सेक्शन 5 दो चीज़ों में एप्लीकेबल है और क्यों दो चीज़ों में नहीं एप्लीकेबल है. और पाँचवा, रेवा कोल फील्ड्स का केस, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कहने की कोशिश करता है कि अगर आप का लेट होने का रीजन अगर एक भी दिन का जस्टिफाइड नहीं लगा या आपके पास एक भी दिन का रीजन जस्टिफाइड नहीं है कि आप लेट क्यों हुए, तो हम ऐसा समझेंगे कि आपके पास जस्टिफाइड रीजंस है ही नहीं, राइट? और लास्ट और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंशन मिलना या नहीं मिलना ये कोर्ट डिसाइड करेगा, इसका डिस्क्रिशन कोर्ट के पास है. ये हो गया आपका सेक्शन 5 का पूरा एक सेट. दूसरा, सेक्शन 5 में क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो दूसरा, सेक्शन 5 में इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स दो या ऐसे कुछ केसेस बताओ जिन्हें सफिशिएंट कॉज माना गया था. तो जैसे जैसे रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट विच मिसलीड द पार्टीज, सफिशिएंट कॉज माना जाता है. दूसरा, मिस्टेक ऑफ काउंसिल, आपके लॉयर के थ्रू कोई मिस्टेक हो गई, हो सकती है वो बोनाफाइड मिस्टेक हो, जेन्युइन मिस्टेक हो, आपके एडवोकेट ने आपको रॉन्ग एडवाइस दी, उसमें आपकी क्या गलती है, आपने गलत एडवोकेट को अपॉइंट किया था. आप कोर्ट को अगर एक्सप्लेन करते हो कि उसने आपको गलत एडवाइस किया था तो कोर्ट हो सकता है आपको सफिशिएंट कॉज दे, बराबर. मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, याद रखना मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज माना जाता है, क्लियर हुआ. इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं माना जाता बॉस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज. अगर आप जेल में हो, इम्प्रिजनमेंट ऑफ पार्टी, या फिर उसके बाद आप बीमार हो, सीरियस इलनेस, बराबर, या फिर जो टाइम पीरियड चाहिए था जिसमें आप कोर्ट से कॉपी या डिक्री या जजमेंट की कॉपी ले लो, तो जब तक वो आपको डिक्री की कॉपी या जजमेंट की कॉपी नहीं मिल जाती तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, या उसमें अगर आपका कोई टाइम वेस्ट हुआ है तो कोर्ट वो वेस्टेज ऑफ टाइम कंसिडर करेगा और आपको एक्सटेंशन देगा. आपके घर में कोई बीमार था, एलिमेंट ऑफ फादर, सवाल उठता है कि सर यहाँ एलिमेंट ऑफ फादर क्यों दिया हुआ है, वाई नॉट एलिमेंट ऑफ पेरेंट्स? अरे बाबा ये केस है, महिंद्र यादव वर्सेस रत्नदेवी केस में फादर बीमार हुए थे तो क्या कर सकते. बट अगर एलिमेंट ऑफ पेरेंट्स है, मतलब घर में कोई पेरेंट बीमार है और मैं उनके देखभाल के लिए वहाँ पे हूँ और इस रीज़न के वजह से मैं अपील या एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाया, तो क्या वो सफिशिएंट माना जाएगा? यस, वो सफिशिएंट माना जाएगा. क्लियर हुआ? अच्छा ये देखो, द टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज इज प्योरली एन इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, देयरफॉर नो टू केसेस कैन बी ट्रीटेड सेम. बोला था मैंने ये नोट पॉइंट करके तुम एग्जाम में लिख सकते हो. क्लियर हुआ? ये था आपका सेक्शन 5. 3 हो गया, 5 हो गया, अब आते हैं सेक्शन 6, 7, 8 पर. सेक्शन 6, 7, 8 जो है वो लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है. सेक्शन 6, 7, 8 जो है वो लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है. अब सर ये लीगल डिसेबिलिटी क्या होता है? लीगल डिसेबिलिटी का मतलब आप कोर्ट में केस करने के लिए एबल नहीं हो. अब वो कब हो सकता है? हो सकता है आप माइनर हो सकता है अनसाउंड माइंड हो सकता है किसी रीजन के वजह से आपको फिलहाल लीगली एबल नहीं किया गया केस करने के लिए. हाँ, तो फिर उसका इस चैप्टर से क्या लेना देना है? चैप्टर से लेना देना बहुत सिंपल है बॉस. अगर आप लीगली एबल नहीं हो केस करने के लिए तो सवाल ही उठता है तो फिर आपका लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? मतलब आप माइनर हो और आपके साथ डिफॉल्ट हुआ है, तो उस केस में माइनॉरिटी इज अ लीगल डिसेबिलिटी एंड बींग अ लीगली डिसेबल्ड यू कैन नॉट फाइल अ केस. एंड अंडर लीगल डिसेबिलिटी
अगर आपके साथ कोई डिफॉल्ट हुआ है तो आपका लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, या फिर आप किसी के साथ एक सूट में जॉइंट राइट्स होल्ड करते हो, आप एक सूट में जॉइंडर हो, आप दो जन का सेम राइट्स है और दोनों भी लीगली डिसेबल्ड है, दोनों भी माइनर है या दोनों भी अनसाउंड माइंड है, तो फिर लिमिटेशन पीरियड केस करने का कब शुरू होगा? और जब भी शुरू होगा तो शुरू होने के बाद वो लिमिटेशन पीरियड मैक्सिमम कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें सेक्शन 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ने वाला है। सो टेक्निकली सेक्शन 6, 7, 8 साथ में चलते हैं। सेक्शन 6, 7, 8 का ऐसा कुछ है कि जहाँ 6, 7 जाएगा वहाँ 8 भी आएगा। सो 8 का बेसिकली ये मानना है कि जहाँ 6, 7 जाएगा वहाँ मैं भी आऊँगा, राइट? 6 जो है, सेक्शन 6 जो है वो सिंगल पर्सन लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है, 7 जो है वो जॉइंट राइट्स की बात करता है जहाँ एक से ज़्यादा इंसान एक ही सूट के अंदर लीगली डिसेबल्ड है, और जो सेक्शन 8 है वो मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड की बात करता है लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद। व्हाट इफ माइनर मेजर हो गया, व्हाट इफ अनसाउंड माइंड साउंड माइंड हो गया? तो अगर माइनर मेजर हो गया तो मेजर होने के बाद उसको मैक्सिमम कितना लिमिटेशन पीरियड मिलेगा केस करने का, वो सेक्शन 8 बताता है। अनसाउंड माइंड साउंड माइंड में कन्वर्ट हो गया तो उसको मैक्सिमम कितना लिमिटेशन पीरियड मिलेगा केस करने का, ये सेक्शन 8 बताता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 बोलता है कि अगर कोई सिंगल पर्सन लीगली डिसेबल्ड है, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो माइनर है या लीगली डिसेबल्ड है, लेट्स नॉट बी स्पेसिफिक, जनरल बात करते हैं, वो लीगली डिसेबल्ड है और उसके साथ डिफॉल्ट हुआ है, उस माइनर के साथ डिफॉल्ट हुआ है, तो इसका लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? मतलब माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में जाने के लिए वेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा नहीं, राइट? सो माइनर के साथ अगर डिफॉल्ट हुआ है तो लिमिटेशन पीरियड इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑफ डिफॉल्ट से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो सर फिर कब होगा? तो वेट करना पड़ेगा, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में जाने के लिए वेट करना पड़ेगा। बट सर आपको नहीं लगता कि वेट करने के चक्कर में लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा? नहीं, यही तो ट्विस्ट है, वेट करने के चक्कर में लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं होगा, इनफैक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। सेक्शन 6 कहता है कि जब तक माइनर मेजर नहीं हो जाता, इन शॉर्ट जब तक लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? जब लीगल डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी। सो बेसिकली सेक्शन 6 सेज इन केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, लिमिटेशन पीरियड विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट वंस द लीगल डिसेबिलिटी इज सीज्ड। Once the legal disability is seized, जब legal disability खत्म हो जाएगी उसके बाद limitation period start होगा। अब question आता है कि legal disability seized होने के बाद जो limitation period start होगा वो कितना होगा? वो section 8 बताएगा। और जब मैं section 8 पढ़ाऊंगा वो मैं तब बताऊंगा। Section 7 क्या कहता है? Section 7 कहता है कि अगर दो लोग हैं, Section 7 joint rights की बात करता है कि अगर दो लोग हैं, एक ही सूट के अंदर अगर दो लोग हैं, सेक्शन 6 और 7 दोनों सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि 6 के केस में सिंगल पर्सन लीगल डिसेबिलिटी है और 7 के केस में जॉइंट राइट्स है, दो लोग आपस में लीगली डिसेबल्ड है एक ही केस के अंदर, जॉइंडर्स है, दो लोग हो सकते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी के ओनर हो, तो फिर उस केस में अगर दो लोग हैं और दोनों ही लीगली डिसेबल्ड है तो इनका लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? लिमिटेशन पीरियड पहले तो डिफॉल्ट से नहीं स्टार्ट होगा, डिफॉल्ट डेट से नहीं स्टार्ट होगा, ये बात तुम्हें ध्यान में होनी चाहिए। व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी द लिमिटेशन पीरियड इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। तो फिर सर कब से स्टार्ट होगा? लिमिटेशन पीरियड तब से स्टार्ट होगा जब दोनों में से पहले किसी की भी लीगल डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी। मतलब अगर मान लो ए और बी है और ए और बी में से ए पहले मेजर हुआ, बी बाद में हुआ, तो फिर उस केस में दोनों में से पहले जो भी मेजर हुआ या दोनों में से जिसकी भी लीगल डिसेबिलिटी पहले खत्म हुई, वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अरे बट सर स्टार्ट होने के बाद वो कितना होगा? वो सेक्शन 8 बताएगा। सेक्शन 8 बोलता है कि मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड क्या होगा लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद, और वो मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड क्या होगा? वो मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड होगा 3 years। It cannot be more than 3 years after the cessation of disability, right? So, section 6, 7, 8 फिर से exam question है boss। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ जो exam में नहीं है, ये already exam में आकर गया है। 6, 7, 8 क्या बोलता?
सिंगल पर्सन लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 6, जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी वहाँ से लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा, और वो कितना होगा? 3 ईयर्स। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? 8 में। सेक्शन 6 पॉइंट नंबर 2, अगर एक ही इंसान को एक से ज़्यादा लीगल डिसेबिलिटी है तो जब सारी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद 3 ईयर्स। सेक्शन 7, मोर देन वन पर्सन एंड बोथ आर लीगली डिसेबल्ड इन अ सेम सूट, तो फिर दोनों में से जिसकी भी पहली लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी वहाँ से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। बराबर, देखो लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर इन सम ऑफ और ऑल और हुम आर अंडर लीगल डिसेबल्ड, द डिसेबिलिटी ऑफ ऑल द एक्सेप्ट वन डज नॉट प्रिवेंट द रनिंग ऑफ टाइम, इफ द डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर द टाइम विल रन ओनली व्हेन द डिसेबिलिटी इज रिमूव्ड। क्लियर हुआ? दोनों में से जो भी पहले लीगली एबल हो जाता है वहाँ से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और वो कितना होगा? 3 ईयर्स। तो जहाँ 6 जाएगा वहाँ 8 भी आएगा, जहाँ 7 जाएगा वहाँ 8 भी आएगा, राइट? सो 8 बेसिकली 6 और 7 का आगे का बात बताता है कि लीगल डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद क्या होगा, और वो क्या होगा? तो मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड मिलेगा, और वो कितना होगा? 3 ईयर्स। नेक्स्ट आता है सेक्शन 9, जो कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की बात करता है। वॉट इज कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम? सेक्शन 9 बोलता है कि एक बार अगर लिमिटेशन पीरियड भागना स्टार्ट हुआ, वंस द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स टू रन, इट विल नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ एनी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, इनेबिलिटी और इवेंट। अर्थात एक बार लिमिटेशन पीरियड भागना स्टार्ट हुआ तो वो लिमिटेशन पीरियड आने वाली किसी भी डिसेबिलिटी, इनेबिलिटी और इवेंट की वजह से रुकने वाला नहीं है। वो तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, राइट? रीड करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, वेयर वंस द टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन कैन स्टॉप इट, प्रोवाइडेड। यहां पे ध्यान देना बॉस, यहां पे एक ट्विस्ट है, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन, एक कंडीशन या एक्सेप्शन डाल दो, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन या एक्सेप्शन। सर अभी तो आपने कहा कि एक बार लिमिटेशन पीरियड चालू हुआ वो लिमिटेशन पीरियड रुकने नहीं वाला, वो तब तक नहीं रुकने वाला जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। एक बार लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो वो आने वाली किसी भी सब्सिक्वेंट रीजन की वजह से नहीं रुकने वाला। बराबर बराबर बराबर, तो फिर ये एक्सेप्शन किस चीज़ का? एक ही एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कहता है कि मान लो कि डेटर और क्रेडिटर के बीच में, क्रेडिटर ने डेटर को पैसे दिए थे और डेटर का काम था पैसे लौटाना। बराबर, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि डेटर और क्रेडिटर के केस में क्रेडिटर ने डेटर को पैसे दिए थे, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो 10 लाख रुपए दिए थे। अब इसका काम है, डेटर का काम है क्रेडिटर को पैसे वापस देना, रिटर्न करना, बराबर, उसको पैसे वापस दे देना उसका काम है ये। अब सवाल उठता है कि सर मान लो अगर डेटर ने नहीं पैसे दिए, अब नहीं पैसे दिए तो फिर डिफॉल्ट होगा, और डिफॉल्ट होगा तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, लिमिटेशन पीरियड भागना चालू हो जाएगा, और अगर लिमिटेशन पीरियड भागना चालू हो तो वो भागता रहेगा, वो तब तक भागेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। तो सर फिर उस केस में क्या? उस केस में अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड, अगर डेटर क्रेडिटर को आके कहता है कि मैं तुझे एक लेटर बना के देता हूँ, एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना के देता हूँ, मैं तुझे एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना के देता हूँ, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट बना के देता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पैसे लौटाने में, और जैसे ही मुझे कहीं से पैसे अरेंज हो जाएंगे तो उस टाइम पीरियड में मैं तुझे पैसा दे दूंगा। तो बेसिकली वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो सवाल उठता है, अगर क्रेडिटर उस डेटर के रिक्वेस्ट किए हुए टाइम को अगर अग्री करता है तो जो लिमिटेशन पीरियड भाग रहा था क्या वो लिमिटेशन पीरियड रुकेगा? क्या वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस रनिंग ऑफ लिमिटेशन पीरियड पे कोई इम्पैक्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा। अगर डेटर ने बनाया हुआ लेटर अगर क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है, डेटर ने बनाया हुआ लेटर अगर क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है तो जो रनिंग ऑफ लिमिटेशन पीरियड है वो रुकेगा, वो उस पीरियड के लिए, उतने पीरियड के लिए सस्पेंड हो जाएगा, वो उतने पीरियड के लिए क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा।
क्लियर हुआ? मान लो अगर डेटर ने क्रेडिटर को बोला कि मुझे एक महीने का टाइम दे दे, तो क्या वो एक महीना लिमिटेशन पीरियड सस्पेंड हो जाएगा? हाँ, वो एक पीरियड, एक महीना लिमिटेशन पीरियड सस्पेंड हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, द रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू रिकवर अ डेट शैल बी सस्पेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूस। समझा? अच्छा सर, एक बात तो बताओ, मान लो अगर कोई लेटर वेटर नहीं बनाया, कोई रिक्वेस्ट विक्वेस्ट नहीं की है, तो क्या तो once the limitation period starts to run, it will not stop because of any subsequent disability, inability or event. Right? Clear हुआ? याद रखना, section 9 काम की चीज है, important mark कर दो, आ सकता ही है। The applicability of this section, section 9 की applicability याद रखना, दो चीजों पे apply होता है। Applicability of this section is limited to suit and application only and does not apply to appeals. Clear हुआ? सेक्शन 9 जो है दो चीजों पे अप्लाई होता है, सूट और एप्लीकेशंस पे, और एक चीज पे नहीं अप्लाई होता है, वो कौन सा है? अपील। लास्ट पॉइंट बोलता है द टाइम रन्स व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूज। ये तो सिंपल सी बात है, लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जब डिफॉल्ट होगा, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, वहां से स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आता है कि कौन से केसेस में लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं होगा या लिमिटेशन पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा, कौन से केसेस में लिमिटेशन पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये सेक्शन 12 से लेकर 17 तक सारे वो केसेस है जहाँ पे लिमिटेशन पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस जो है ना, ऐसे सारे क्वेश्चंस ये केस स्टडी में आ सकते हैं, याद रखना बॉस, आ सकते हैं। क्या सेक्शन 16 आकर गया है, सेक्शन 16 दिसंबर 18 एग्जाम में आकर गया है, जो केस स्टडी के फॉर्म में था। क्लियर हुआ? सेक्शन 12 कहता है कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट जो होगा वो नेक्स्ट डे से होगा, वो डिफॉल्ट के नेक्स्ट डे से होगा। सो जो डेट ऑफ डिफॉल्ट है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। मान लो आपके साथ 13 जनवरी को डिफॉल्ट हुआ है, तो लिमिटेशन पीरियड 14 जनवरी से स्टार्ट होगा, ये एक्सक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आपको कॉपी ऑफ डिक्री या कॉपी ऑफ सेंटेंस जब तक हाथ में नहीं मिली है, तब तक आपका अपील करने का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 कहता है कि जब तक आपको जजमेंट कॉपी हाथ में नहीं मिली है, तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 कहता है कि जब तक आपको कॉपी ऑफ अवार्ड हाथ में नहीं मिला, तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। सेक्शन 13 कहता है कि अगर आप पॉपर हो, हाँ गरीब हो, आप सागर तोला नहीं हो, तो फिर उस केस में आपका लिमिटेशन पीरियड तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आपको कोर्ट लॉयर नहीं अपॉइंट करके दे देता। राइट? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लीव, लीव मींस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड। तो जब तक आपको लॉयर नहीं आप मिल जाता, आपने अगर अप्लाई किया लॉयर के लिए क्योंकि आप गरीब, आप कोर्ट एक्सपेंसेस या लॉयर एक्सपेंसेस नहीं फेस कर पाते, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, जब तक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती, तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। इन 12 से लेकर 18 की जो लिस्ट है, 12 से लेकर 18 की जो लिस्ट है, उसमें सेक्शन 14 बहुत काम का है बॉस, सेपरेट क्वेश्चन में आ सकता है ये, सेपरेट क्वेश्चन में सेक्शन 14। क्या कहता है सेक्शन 14? सेक्शन 14 कहता है कि अगर तुमने कोर्ट के वजह से, तुमने कोर्ट के वजह से अगर अपना टाइम वेस्ट कर लिया, मतलब मान लो कोर्ट ने आपको बोला कि यार ये जो केस तुम्हारा है ना, वही सेम केस चल रहा है, तो एक काम करो ना, तुम इधर ही बैठ जाओ, और तुम भी बोनाफाइडली कोर्ट की बोलने पे बैठ गए, मना तो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिनाई कोर्ट के, नहीं मैं नहीं बैठ सकता, तो कोर्ट के बोलने पे तुम भी बैठ गए, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन, ये जो केस मेरे पास चल रहा है उसका कॉज ऑफ एक्शन सेम है, तो कोर्ट ने तुमको उठा के इसमें बिठा दिया, बोला तुम प्लेंटिफ, इधर भी प्लेंटिफ, डिफेंडेंट इधर भी डिफेंडेंट, बैठ जाओ, मैं मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं दो सेम केसेस को साथ में एंटरटेन करके खत्म करता हूं, तो तुमको बिठा दिया, अब तुम बैठ गए बोनाफाइडली कोर्ट के बोलने पे। आगे जाके कोर्ट को पता चला कि तुम्हारा जुरिस्डिक्शन, तुम्हारे केस का जुरिस्डिक्शन और जो केस वो कोर्ट लड़ रहा था, कोर्ट सुन रहा था, उसका जुरिस्डिक्शन सेम नहीं है, आपके केस का जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास है ही नहीं। फिर तुम्हें रियलाइज होता कि सर ये तो आप पहले बोल देते, आपने तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप ऑल पहले ही बता देते कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो मैं बैठता ही नहीं इस केस पे, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया ना सर। तो फिर सेक्शन 14 बोलता है, हेलो, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मतलब हुआ टाइम वेस्ट हमारे वजह से, बट एक्सटेंशन दे देंगे आपको, आपको रिलीफ दे देंगे।
So whatever time you wasted, that will be converted into an extension period, and within that extension period you can file a case in an appropriate court. ठीक है, please, sorry, हम गलती हो गई. तो चार चीजें तुमको, चार पॉइंट याद रखनी है. क्या? कि आप किसी और सिविल प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूट कर रहे थे, वो भी आप ड्यू डिलीजेंस था, आपकी कोई गलती नहीं थी. आप इसीलिए कर रहे थे क्योंकि सेम मैटर इन इशू था. आप इसीलिए कर रहे थे क्योंकि कोर्ट ने बोला आपको, और बाद में नतीजा क्या निकला कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है. क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आपके केस पे स्टे लगा के रखा है तो जब तक वो स्टे नहीं हट जाता तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा. अच्छा, उसके बाद मान लो अगर आपको किसी केस में गवर्नमेंट का अप्रूवल या सैंक्शन चाहिए, तो जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता, जब तक सैंक्शन नहीं मिलता, तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा. जब तक लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो जाता, आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा. जब तक डिफेंडेंट इंडिया में नहीं आ जाता, तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा. अगर आप केस करने के पहले ही मर गए, तो जब तक आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल नहीं हो जाता, तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा. सिमिलरली, अगर कोई फ्रॉड या मिस्टेक के थ्रू कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, कोई फ्रॉड या मिस्टेक के थ्रू, मतलब अगर डिफेंडेंट ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है या डिफेंडेंट ने कोर्ट के साथ मिस्टेक किया है, तो जब तक आप वो फ्रॉड या मिस्टेक डिस्कवर नहीं कर देते, तब तक आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा. अब नो डाउट, जब तक आप डिस्कवर नहीं कर देते, इसमें तो आपको 6 साल लग जाएंगे. तो इसीलिए कोर्ट आपको एक एक्सेप्शनल पीरियड देगा. उस पीरियड के अंदर आप को वो जो भी फ्रॉड या मिस्टेक डिफेंडेंट ने किया, यू बीइंग अ प्लेंटिफ, यू हैव टू डिस्कवर इट, एंड देन योर लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट. क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 18. सेक्शन 18 ऑलरेडी एग्जाम में आकर गया है. सेक्शन 18 क्या कहता है? वैलिड एक्नॉलेजमेंट की बात करता है. सेक्शन 18 बोलता है कि अगर डेटर क्रेडिटर को कोई एक्नॉलेजमेंट बना के देता है कि थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए, तो कैसे समझेगा वो एक्नॉलेजमेंट वैलिड है? तो वो चार कंडीशन पूरी करनी चाहिए. पहला, वो एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होना चाहिए. वो एक्नॉलेजमेंट दोनों पार्टीज अग्री करने चाहिए. दूसरा, वो एक्नॉलेजमेंट किसी राइट या प्रॉपर्टी को लेकर होना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो एक्नॉलेजमेंट लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के पहले बनाना चाहिए. राइट? सो इट शुड बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द डेटर, शुड बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड, शुड बी विद रिस्पेक्ट टू एनी राइट प्रॉपर्टी और क्लेम, एंड शुड बी इन कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज. और अगर ये चारों कंडीशंस पूरी होती है, तो जो एक्नॉलेजमेंट डेटर और क्रेडिटर के बीच में बना है, उस एक्नॉलेजमेंट से क्रेडिटर को एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलेगा. उस एक्नॉलेजमेंट से क्रेडिटर को एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिलेगा. क्लियर हुआ? सेक्शन 18 और 19 कुछ हद तक सेम ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि 18 में आप एक्नॉलेजमेंट बनाते हो और 19 में आप पार्ट पेमेंट करते हो. मान लो अगर मुझे किसी को पैसे देने थे और वो मैंने नहीं दिया, उसका लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया, वो मेरे अगेंस्ट कभी भी केस कर सकता है. बट उन पैसों में से अगर मैं पार्ट पेमेंट कर देता हूँ, तो जो बाकी के बैलेंसिंग पैसे बचे हुए, उसके लिए उसको बचा हुआ पीरियड मिलेगा कि फ्रेश पीरियड मिलेगा? तो सेक्शन 19 बोलता है फ्रेश पीरियड मिलेगा. क्लियर हुआ? फिर आता है आपका सेक्शन 25, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन. काफी फैंटास्टिक सा सेक्शन है, एग्जाम में आकर गया है. 19 भी एग्जाम में आकर गया है, 18 भी एग्जाम में आकर गया है, सेक्शन 25 भी एग्जाम में आकर गया है. क्या कहता है सेक्शन 25, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी चीज का पोजीशन है, अगर आपको किसी भी चीज का पोजीशन है, तो आप उसका ओनरशिप अक्वायर कर सकते हो. यू कैन अक्वायर द ओनरशिप इफ यू हैव द पोजीशन. किसका? किसी भी प्रॉपर्टी का. आपके घर के बाजू में एक छोटी सी जमीन है और वो जमीन आपके पास ही है काफी टाइम से. उसकी देखभाल भी आप ही करते हो, उसका यूज भी आप ही करते हो, उसके इजमेंट्स भी आप ही एंजॉय करते हो. कितने टाइम तक सर? कितने टाइम तक? अगर वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 20 साल तक, सरकारी जमीन है तो 30 साल तक. So if you have the possession of any property for a period of 20 years in case of private property and 30 years in case of government property, you can acquire the ownership and those rights will be non-challengeable. Right? So ye section 25 mein likha hua 20 years or 30 years in case of government property. Clear hua? Ye aapka section 25 hai. Ab ye aisi cheez hai jo institute ne abhi tak exam mein nahi puchi hai. Wo kya hai? वो ये कि क्या लिमिटेशंस एक्ट रिट पेटिशंस पे. रिट भी ऐसी चीज है, सूट अपील और एप्लीकेशन के अलावा रिट पेटिशन भी एक ऐसी चीज है जो हम कोर्ट पे फाइल करते हैं. बराबर? अच्छा, रिट पेटिशन कहाँ फाइल करते हैं? अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट. क्लियर हुआ? बराबर? तो ये हम चीजें
कोर्ट में फाइल करते हैं, रिट भी फाइल होती है कोर्ट में। अब अगर रिट भी कोर्ट में फाइल होती है तो सवाल ये उठता है कि क्या लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस रिट पे भी अप्लाई होते हैं? नहीं है, लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस रिट और पिटीशन पे नहीं अप्लाई होते सर, नहीं अप्लाई होते। लिमिटेशन एक्ट प्रोविजंस डज नॉट अप्लाई अपॉन रिट पिटीशन। बट अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट अगर चाहे तो खुद से ये चेक करके लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस रिट पिटीशन पे अप्लाई कर सकता है, अगर वो रिट पिटीशन जानबूझ के लेट फाइल की हुई हो। बराबर। सो अगर कोर्ट देख सकता है कि यहाँ पर सूट भी फाइल हो सकता था तो भी पार्टी ने रिट फाइल किया, वैसे भी रिट पिटीशन फाइल करना ऑल्टरनेटिव रेमेडी होता है, तो यहाँ पर रिट फाइल किया और वो भी पर्पसली लेट फाइल किया, तो क्या लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस कोर्ट खुद से अप्लाई कर सकता है? यस। और यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बहुत काम की चीज़ है, इंस्टीट्यूट का टेक्निकल क्वेश्चन ये हो सकता है। फिर ये टेबल की मैंने बात की थी जो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस टेबल में याद रखना तुम्हें वो पॉइंट पढ़ना है जहाँ पर लिमिटेशन पीरियड 30 ईयर्स है। याद रखना तीन ऐसे केसेस है जहाँ लिमिटेशन पीरियड 30 ईयर्स है। कौन से तीन केसेस? तो मॉर्गेज वाला केस, मॉर्गेज फॉर फोरक्लोजर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर पार्टी हुए तो। ये तीन ऐसे केसेस है मॉड्यूल में तुमको मिल जाएंगे टेबल खत्म होने के बाद ही, जहाँ पे लिमिटेशन पीरियड 30 ईयर्स है। ये मेरा गट फीलिंग कहता है कि इंस्टीट्यूट पूछ सकता है क्योंकि ईजी टू रिमेंबर ही है। राइट। सो ये था आपका लिमिटेशन एक्ट का एक फास्ट सा, एक सुपर सा रिविजन। कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हैं। राइट। लिमिटेशन एक्ट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ रिलेटिंग टू टॉट।